जी, मेरी शादी महबूब अली से हुई थी 7 दिसंबर 2017 को। उसके बाद एक महीना तो वे मेरे साथ में सही रहे, फिर वो 7 जनवरी को बाहर चले गए कतर। और फिर उसके बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा जालिमाना बर्ताव होने लगे, मार पिटाई होने लगी, दहेज की मांग करती थी सात नंदे के क्या लेके आई है। फ्रांस चले गए वहाँ से, फिर उन्होंने सास नंदे चुगलियाँ लगाती थी उनसे फ़ोन पर उल्टी सीधी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे तलाक बोल दिया फ़ोन पे। मैंने पूछा कि क्यों बोला, कहने लगे कि इसलिए बोला क्योंकि तूने मेरे माँ बाप को इस तरह करा। और फिर 9 अगस्त को वे फ्रांस से घर आए वापस और मेरे साथ में मार पिटाई करी बहुत बुरी तरह, बेल्टों से बजाया मुझे। और अब बोल रहे हैं कि देवर से निकाह कर, हलाला कर और फिर मैं निकाह करूँगा तुझसे, या नंदोई से कर या देवर से। और अब नहीं, हलाला क्यों कराना चाहते हैं वो? जी, हलाला इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि तलाक दे दिया। देखिए, ये अभी आप लोग द्वारा मुझे बताया गया है कि किसी फ्रांस में बैठे व्यक्ति द्वारा ये फोन पर तलाक दिया गया, लेकिन इस संबंध में कोई कंप्लेंट हमारे यहाँ प्राप्त किसी स्तर पर नहीं हुई। और अगर कोई कंप्लेंट किसी महिला द्वारा, पीड़ित द्वारा इस संबंध में दी जाती है, तो उस पर निश्चित रूप से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।